हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट वाइट क्लासेस। थिंक बिफोर यू लर्न। तो शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। शुरू करते हैं वर्ब से। वर्ब क्या है? एक ऐसा वर्ड जो आपको किसी एक्शन के बारे में बताता है, उसी को क्या बोलते हैं? वर्ब। वर्ब को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक तो मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है? राम गोज टू स्कूल डेली। एक ऐसा वर्ड जो आपके एक्शन को बता रहा हो, उसी को क्या बोलते हैं अपन? मेन वर्ब। ठीक है, दूसरा रह गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब को ही फर्दर दो कैटेगरीज में अपन डिवाइड करते हैं, जो कि क्या है? आपके प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मोडास। तो पहले प्राइमरी ऑक्सिलरी देख लेते हैं। ये क्या क्या है? डू बी एंड हैव। ठीक है, डू से क्या क्या बनती है? डू के बाद डिड और डन। बी से क्या क्या है? इज एम आर वॉज एन वर। ये सब क्या है? बी के हेल्पिंग वर्ब हैं, बी की फॉर्म्स हैं। हैव से क्या बनता है? हैज और हैड, ये इसके हेल्पिंग वर्ब हैं। ठीक है, ये जो है आपके प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं। अब बात करते हैं मोडास की। अ वर्ड वर्ड विच इज यूज टू एक्सप्रेस यूज टू एक्सप्रेस परमिशन परमिशन पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी परमिशन पॉसिबिलिटी ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेशन एट्सेट्रा। एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा क्या है मुडास? एक ऐसा वर्ड जो क्या एक्सप्रेस करता है? किसी कोई परमिशन बताता है, पॉसिबिलिटी बताता है या ऑब्लिगेशन बताता है। तो मुडास आर ऑलवेज मुडास ऑलवेज यूज विद मेन वर्ब। ये हमेशा किसके साथ यूज किए जाते हैं? मेन वर्ब के साथ यूज किए जाते हैं। और अदर एंड दूसरा इसका जो टाइप है, उसे बोलते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये क्या होती हैं? ये ऐसी वर्ब हैं जो मुडास तो हैं, मुडास तो हैं, मुडास का काम तो करेंगे करेंगी, साथ में मेन वर्ब एज वेल एज एडजेक्टिव दोनों की तरह से यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल नीड एंड देयर, ये दोनों मेन वर्ब की तरह यूज किए जाते हैं। एंड यूज टू यूज किया जाता है एक एडजेक्टिव की तरह। एडजेक्टिव क्या होता है? अ वर्ड दैट क्वालिफाई क्वालिफाई नाउन। एक ऐसा वर्ड जो नाउन को क्वालिफाई करता है, मतलब उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, उसी को क्या बोलते हैं अपन? एडजेक्टिव, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, शी कैन रन फास्ट। शी तो सब्जेक्ट हो गया, कैन यहाँ पे मुडाल हो गया, रन क्या हो गया यहाँ पे? मेन वर्ब हो गया। ठीक है, आगे यू शुड स्टडी हार्ड, यहाँ पे शुड क्या है? मुडास है। मतलब ऐसे वर्ड्स जो किसी की पॉसिबिलिटी परमिशन को बताते हैं, उसी को क्या बोलते हैं अपन? मुडास। देखिए डेफिनेशन, दीज आर द हेल्पिंग वर्ब विच आर यूज टू इंडिकेट एबिलिटी परमिशन सर्टेन ऑब्लिगेशन एटसेट्रा। ये कुछ मुडास के काइंड हैं। कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड मस्ट ऑट used to need and dare। आगे चलते हैं मुडास पे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुडास, है ना, करेक्टरिस्टिक्स कि मुडास को करेक्टरिस्टिक्स में क्या पढ़ते हैं, मुडास को कैसे कैसे अपन इसको यूज कर सकते हैं। दो तरीके से यूज किया जाता है। एक तो इसे यूज किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो पॉजिटिव सेंस देते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म जो बताते हैं, उसी को बोलते हैं अपन अफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें हम क्या नकारात्मक वाक्य मतलब नोट के साथ उसको यूज करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं अपन? नेगेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मोडल ऑक्सिलरीज आर प्लेस्ड बिटवीन सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब। मैंने बताया था कि जो मोडल ऑक्सिलरी है हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज किया जाएगा। तो एक ऐसा केस जिसमें सबसे पहले क्या रखेंगे हम? सब्जेक्ट, जैसे कि राम। ठीक है, उसके बाद रन और ये फास्ट। अगर कोई ऐसा सेंटेंस है, यहाँ पे ये क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये क्या है? ये मेन वर्ब है। और यहाँ पे हमने मोडल को अगर प्लेस किया है दोनों के बीच में, इसी को बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे कि देखिए, दे मस्ट कॉल द अथॉरिटीज। दे यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, कॉल क्या है? वर्ब है, और मस्ट क्या है? एक मोडल है। जब मोडल सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में प्लेस किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं अपन? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, सेकंड वन इज नेगेटिव सेंटेंस। सेम रहेगा,
नेगेटिव सेंस में भी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में से प्लेस किया जाएगा, लेकिन साथ में एक एक्स्ट्रा चीज ऐड होगी जो कि क्या है, नोट, जो इसके नेगेटिव सेंस होने के बारे में बताता है। रूल्स ऑफ मुडास, दो तरीके की वर्ब होती है आपकी, एक तो होती है फाइनाइट और एक होती है आपकी नॉन फाइनाइट। ठीक है, नॉन फाइनाइट है ना। देखिए, राम गोस नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, उन्हें बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, दे आर स्टिल, दे आर ऑलवेज सेम, है ना। अगर आप सिंगुलर के लिए यूज कर रहे हैं तो भी वो रहेगा, प्लूरल के लिए यूज कर रहे हैं तो भी वो रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्विम, दे कैन स्विम, ही कैन स्विम। ठीक है ना। ये देखिए, आई कैन स्विम सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, उसके साथ भी क्या हो रहा है, फर्स्ट पर्सन के साथ भी कैन आया है, प्लूरल फॉर्म में भी कैन आया है, और यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर में भी क्या आया है, कैन आया है। अदर एंड अगर हम बात करें नीड या डेयर की, नीड या डेयर की, है ना। देखिए, आई नीड टू गो, आई नीड गो, है ना, मुझे जाना होगा। या फिर अगेन शी लगाते हैं, शी नीड्स टू गो, है ना। जैसे ही सब्जेक्ट बदला, जो नीड है वो किस में बदल गया, नीड से बदल गया, मतलब ये क्या है, ये फाइनाइट है, ये हमेशा ये वर्क किस पे डिपेंड करेगी, आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। अगेन मोडास को भी फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। जो आपका नीड है, नीड एंड जो डेयर है, ये दोनों क्या है, आपकी फाइनाइट है। बाकी जो आपके मोडास बच गए हैं वो कैसे हैं, आपके नॉन फाइनाइट। फॉर एग्जाम्पल, शी नीड्स टू गो, यहाँ पे थर्ड पर्सन नीड के साथ ऐसे लगाया गया है। और इन अदर एंड यहाँ पे देखिए, दे क्या है, प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं लगा है। ठीक है, तो नीड ये क्या बताता है, ये वर्ब कैसी है, फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगेन यहाँ पे कैन को देखिए, सिंगुलर था शी, है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ भी कैन ही लगा है, और दे के साथ भी क्या लगा है, कैन ही लगा है। शी के साथ भी कैन लगा है और दे के साथ भी कैन लगा है, क्योंकि ये सिंगुलर था तो यहाँ पे कैन ऐसा आना चाहिए, पर नहीं, ये कैसी है, नॉन फाइनाइट है, ये अपने साथ मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, ये हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है। अगेन दो एक्सेप्शन, ऑट, नीड एंड डेयर, इनको यूज किया जाता है टू इन्फिनिटी के साथ। टू इन्फिनिटी, दो तरीके के इन्फिनिटी होते हैं, है ना, एक आपका इन्फिनिटी होता है, दूसरा बेर इन्फिनिटी होता है। बेर इन्फिनिटी वो होता है जिसके साथ आप टू यूज नहीं करते हैं, है ना। ये कुछ ऐसे मोडल्स हैं जो अपने साथ क्या लेते हैं, टू लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी नीड्स टू लिसन, उसे सुनने की जरूरत है। देखिए, कैन ने अपने साथ कोई भी टू नहीं लिया है, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया हमारा बेयर इन्फिनिटी। ऋषभ ऑट टू स्टडी, यहाँ पे देखिए ऑट टू, ऑट के साथ भी टू लगा है, तो ये कैसा हो गया हमारा, ये हमारा हो गया इन्फिनिटी, ये हमारा कैसा हो गया, वर्ब इन्फिनिटी हो गया। तीन हमने मोडास देखे, ऑट, नीड एंड डेयर, जो अपने साथ क्या लेते हैं, टू, और अपने आप को कैसा दिखाते हैं, इन्फिनिटी की तरह बिहेव करते हैं, कैसा दिखाते हैं, इन्फिनिटी की, अपने साथ टू लेते हैं। तो जब ये अपने साथ टू लेते हैं तो ये क्या शो करते हैं, देखिए, अगर ऑट अपने साथ टू लेता है, ऑट टू यूज किया जाता है ड्यूटी या फिर नेसेसिटी, फिटनेस या फिर मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वी ऑट टू प्रोटेक्ट आर आर हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, मोन्यूमेंट्स, है ना। हमें अपनी जो पुरानी चीजें हैं, जैसे कि अपना ताजमहल, लाल किला, है ना, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट जितने भी हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए। ये हमारी क्या है, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है ना। अगेन अगर नीड अपने साथ टू लेता है तो ये दिखाता है रिक्वायरमेंट, है ना। नीड अपने साथ जब टू लेता है तो ये दिखाता है क्या, रिक्वायरमेंट, जैसे कि यू नीड टू लिसन, लिसन केयरफुली, केयरफुली, तुम्हें केयरफुली सुनने की क्या है, जरूरत है, इट्स अ रिक्वायरमेंट। एंड द थर्ड वन इज डेयर। डेयर जब टू के साथ यूज किया जाता है तो ये आपको कैसा बिहेव करेगा, एक चैलेंज की तरह,
जब वर्ब डेयर को टू के साथ यूज किया जाता है तो ये क्या दिखाता है, एक चैलेंज दिखाता है। हु डेयर डेयर्स टू एंटर द प्रिंसिपल ऑफिस प्रिंसिपल ऑफिस विदाउट विदाउट परमिशन विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के प्रिंसिपल ऑफिस में घुसने की हिम्मत कौन कर सकता है। ये क्या शो करता है, एक चैलेंज शो करता है। अब टाइप ऑफ मोडाल से हम देखेंगे कि ना जो मोडाल है, क्योंकि एक मोडाल जो है सिंगल मोडाल एक से ज़्यादा जगह पे अलग अलग मीनिंग्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनके बेसिस पे हमने इन्हें कैटेगराइज किया है। सबसे पहले सिंगल कंसेप्ट बेस्ड मोडाल, मतलब ऐसे मोडाल जिनका इनको बस एक ही तरीके से यूज किया जाता है, जैसे कि विल, है ना, विल माइट शुड ऑट टू एंड हैड बेटर। ये जो मोडाल्स हैं ये बस एक ही तरह का मीनिंग देते हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज डबल कंसेप्ट मोडाल, मतलब में दो कंसेप्ट दो अलग अलग तरीके से यूज किया जाएगा अलग अलग मीनिंग में, है ना। मस्ट है, मस्ट को भी दो अलग अलग मीनिंग में यूज करेंगे, वुड को, शैल को, कैन को, कुड को। ये जो मोडाल्स हैं वो डबल कंसेप्ट में यूज किए जाते हैं। पास्ट मोडाल मतलब वुड, कुड, माइट, शुड, मे एंड मस्ट हैव, ये क्या है, ये ऐसे मोडाल्स हैं जिनको कोई पास्ट के इवेंट बताने के लिए यूज किया जाता है। वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले सिंगल कंसेप्ट मोडाल, सिंगल कंसेप्ट मोडाल तो विल को लेते हैं। सबसे पहले विल को कैसे यूज किया जाएगा, फ्यूचर। देखिए जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ विल और शैल यूज किया जाता है, वही क्या बताता है, हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बताता है ना। ये हमने टेंस से बहुत अच्छे से पढ़ा था, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बताता है। तो सही है, यहाँ पे अगर विल ही यूज किया गया है तो ये हमारे फ्यूचर को बताएगा, आई विल बाय अ कार, कि मैं भविष्य में कार खरीदने वाला हूँ। सही है। माइट के बारे में अगर बात करें तो ये पॉसिबिलिटी बताएगा, लेकिन हाईली डिमिनिश्ड, मतलब जिसके चांसेस बहुत कम रहे होंगे। इट मे रेन टूडे, मतलब बाहर बादल बादल भी नहीं है, पर मैंने ऐसे ही अजप्शन बोला कि ना इट मे रेन टूडे, कि आज बारिश हो सकती है। इसमें पॉसिबिलिटी जो होती है वो बहुत ही लेस होती है। अगर शुड की बात करें, शुड देगा आपको सजेशन, जब भी सजेशन, शुड शुड को यूज किया जाता है जहां पे अच्छी बातें करने को बोला जाए, अच्छे कामों के लिए तो कहा जाए और बुरी चीजों से रोका जाए, चीजों से रोका जाए, है ना, बुरी चीजें करने से रोका जाए और अच्छी चीजों के लिए कहा जाए, वहां पे यूज करेंगे किसको हम, शुड। शुड से फॉर एग्जाम्पल, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, यू कंसल्ट अ डॉक्टर, पॉजिटिव केस, है ना, रोग अच्छी चीजें करने के लिए बोल रहा है। यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, तुम्हारी तबीयत मुझे बहुत खराब लग रही है, तुम्हें क्या करना चाहिए, एक अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। सेकेंड वन है ना रोकने के लिए, जैसे कि सेकेंड वन रोकना, यू शुड कीप साइलेंस इन द क्लास, और यू शुड बिहेव, यू शुड बिहेव सिंसियरली सिंसियरली इन द क्लास, मतलब तुम्हें क्या करना चाहिए, क्लास में बहुत ही सिंसियर तरीके से रहना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ सेकेंड वाले में, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं चीज़ों को क्या कर रहा हूँ, अच्छी चीज़ें करने के लिए बोल रहा हूँ और बुरी चीज़ों से रोक रहा हूँ। यू शुड नॉट मेक नॉइस इन द क्लास, है ना। सेकेंड वन इज बुरी चीज़ों से रोकने के लिए। और टू को यूज़ किया जाता है ऑब्लिगेशन में और ड्यूटीज में, है ना। ड्यूटीज में हमने देखा, वी ऑट टू प्रोटेक्ट आर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जहाँ भी अवहेलना हो रही है उसे क्या रखना चाहिए, रोकना चाहिए। ऑब्लिगेशन क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, है ना। थर्ड वन इज हैड बेटर, एडवाइस देने के लिए, है ना, कोई भी एडवाइस, यू हैड बेटर टू गो नाउ, हैड बेटर, यू हैड बेटर टू गो नाउ, तुम्हें अब चले जाना चाहिए, है ना, इट इज गोइंग लेट, तुम्हें अब चले ना जाना चाहिए। हैड बेटर जो है आपको क्या बताता है, एक एडवाइस या फिर क्या देता है, वार्निंग देता है। डबल कंसेप्ट मोडल्स,
बात करते हैं डबल कंस्ट्रक्ट मोडाल की, तो यहाँ पे एक मोडाल जो होगा एक से ज्यादा तरीके के मीनिंग के लिए यूज किया जाएगा। बात करते हैं डबल कंस्ट्रक्ट मोडाल की, है ना। तो सबसे पहले लेते हैं मे। मे को दो अलग अलग चीजों के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहला है परमिशन। जितनी भी फॉर्मल परमिशन आप लेते हैं उसके लिए यूज किया जाता है मे को। जैसे कि मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, है ना, या फिर मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, है ना। इनमें क्या है, एक परमिशन है ना, एक परमिशन है या फिर एक रिक्वेस्ट है। जितनी भी रिक्वेस्ट आप करेंगे फॉर्मली, है ना, या फिर परमिशन के लिए आप क्या यूज करेंगे, मे यूज करेंगे, है ना। सेकेंड वन इज पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के लिए इसको यूज करते हैं, है ना। कैसी पॉसिबिलिटी, जैसे कि हमने माइट को यूज किया था, माइट के लिए हमने पॉसिबिलिटी बोली थी डिमनिश्ड। डिम निश्ट मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी अब थोड़ी ज्यादा है ना, जैसे कि बाहर बादल आए हुए हैं तो बारिश होना, जैसे कि हवा चल रही है बहुत तेज, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, मे, है ना। और इट मे रेन, रेन टुडे, है ना, आज बारिश हो सकती है। ये क्या बता रहे हैं, पॉसिबिलिटी बता रहा है एज कंपेयर टू माइट, ज्यादा पॉसिबिलिटी जब हमें दिखानी होती है हम। और नेक्स्ट वन इज मस्ट। मस्ट हम क्या देखते हैं, कंपल्शन, है ना। जहाँ पे आपके पास नो अदर ऑप्शन, मतलब आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ना हो, आपको वो चीज़ क्या हो, कंपलसरी करनी हो, वहाँ पे लगाते हैं मस्ट। जैसे कि वी मस्ट ऑबे आर पेरेंट्स, है ना, वी मस्ट ओबे आर पेरेंट्स, है ना। और अच्छा एग्जाम्पल्स, वी मस्ट ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना है, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करना है, मानना है ना, उसको क्या करना है, मानना है, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सेकेंड वन इज अजम्पशन। प्रेजेंट सिनेरियो को देख के आपने कोई अजम्पशन लगाया, जैसे कि देखिए महेश इज अब्सेंट टुडे, ही मस्ट बी सिक, है ना। महेश क्या है, एबसेंट है, आपको पता चला, तो क्या हो गया, आपने अजम्पशन लगा दिया, वो क्या होगा, वो बीमार होगा, ऐसे यूज किया जाता है मस्ट का। उसके बाद वुड, है ना, वुड, विल की जो पास्ट फॉर्म है वो क्या है, वुड है ना। तो वुड क्या होगा, वुड एक पास्ट में किसी भी इंसिडेंट को बताएगा, तो पास्ट में यूज किया जाता है ये के पास्ट की हैबिट के लिए, है ना, वुड से, या फिर किससे बताते हैं हम, यूज टू से, है ना। देखिए ही यूज टू ड्रिंक अलॉट, ही यूज टू ड्रिंक अलॉट बिफोर बिफोर इस मैरिज, है ना। उसे वो अपनी शादी से पहले बहुत ज्यादा क्या करता था, शराब पीता था। ये क्या उसकी है, ये उसकी पास्ट हैबिट है। जितनी भी पास्ट की हैबिट होती है अपन किससे बताते हैं, यूज टू से। ओके, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी, है ना, पॉसिबिलिटी मैंने बताया था कि फ्यूचर की पॉसिबिलिटी, पर जिसकी जो है प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी है उसकी, वो बहुत क्या हो, कम हो, वो किसके साथ बताई जाती है, वुड के साथ बताई जाती है। दे वुड विजिट अस समडे, है ना, वो हमसे एक दिन जरूर मिलेंगे। शेल को देख लो, शेल जैसे कि विल यूज किया जाता है फ्यूचर टेंस के लिए, इन द सेम मैनर शेल भी यूज किया जाएगा फ्यूचर टेंस के लिए। द सेकेंड वन इज फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, है ना, पोलाइट रिक्वेस्ट। इसको सिंपलेस्ट वे में ऐसे याद रखेंगे, अगर कोई सेंटेंस आई और वी से शुरू होके इंटरोगेटिव फॉर्मेशन कर रहा है, वहां पे यूज किसका करेंगे हम, शैल का करेंगे। वहां पे क्या यूज करेंगे, शैल। देखिए किससे यूज हो रहा है, आई से यूज हो रहा है, आई शैल कॉल यू टुनाइट, है ना। ये तो फ्यूचर सिंपल टेंस है इसका, कि ना मैं तुम्हें आज रात को कॉल कर सकता हूँ। अगर हम इसका सेकेंड वन देखें, जो कि पोलाइट, इसका पोलाइट एक्सप्रेशन है, कि ना डैश आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, आई से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है और इंटरोगेटिव बना रहा है ना, दो ही कंडीशन देखनी है आपको, क्या कि आई से सेंटेंस शुरू हो रहा है और इंटरोगेटिव की क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है, तो वहां पे क्या लगाएंगे अपन, शैल लगाएंगे। अगेन देखिए, आई यहाँ पे आया है और इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा शैल आना कंपल्सरी है। तो अगर ये तो आई से हो, एक वी से और देखते हैं। देखिए, वी गो फॉर पिकनिक दिस वीकेंड, दिस वीकेंड,
इसी वीकेंड पे क्या हमें पिकनिक पर जाना चाहिए। देखिए क्या हुआ, वी से शुरू हुआ था है ना, कोई भी सेंटेंस किससे शुरू हुआ था, वी से शुरू हुआ था और इंटरोगेटिव क्या बना रहा था, फॉर्मेशन बना रहा था, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, हमारा शैल लग जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, कुड को देख लीजिए, कुड कैन, कैन क्या बता रहा था है ना, कैन बता रहा था एबिलिटी है ना, कैसी, प्रेजेंट की, तो कैन की पास फॉर्म होती है कुड, तो ये भी क्या बताएगा, एबिलिटी बताएगा, लेकिन कैसे बताएगा, पास की एबिलिटी बताएगा। कोई भी पास की एबिलिटी अगर बतानी है तो वो क्या बताएगा, कुड बताएगा। जैसे देखिए, तुषार कुड ईट 10 रोटीज एट अ टाइम, जो तुषार है वो एक टाइम में 10 रोटी खा सकता था, खा जाता था, मतलब क्या है उसकी, पास की एबिलिटी है। सेकेंड वन इज प्रेजेंट प्रोबेबिलिटी, बहुत ज्यादा है ना, अभी की जो वो है प्रोबेबिलिटी है वो उसकी, प्रेजेंट प्रोबेबिलिटी है ना, आप उसके बारे में क्या हो, अनश्योर हो, इट कुड मूव इफ वी पुश्ड हार्ड है ना, हम अगर सारे के सारे मिलके किसी एक ऑब्जेक्ट है ना, इस पे क्या करें, अगर फोर्स लगाए तो शायद हम इसे क्या कर सके, मूव कर सके। वी आर नॉट प्रीटी श्योर अबाउट दैट, कि अगर हमने फोर्स लगा भी दिया तो पक्का हम इसे पुश कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी है कि अगर हमने पूरी फोर्स के साथ इसको क्या किया, यहाँ से पुश किया, तो यहाँ से ये यह कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, मतलब आप उसके बारे में श्योर नहीं है। कैन देखिए, कैन प्रेजेंट की एबिलिटी है ना, अभी वो क्या कर सकता है, कैन कैन हेल्प यू योर होमवर्क, वो तुम्हारे क्या कर सकता है, होमवर्क में मदद कर सकता है। किसी परमिशन के लिए, परमिशन भी दो तरीके की होती है ना, देखो हमने मे से भी पढ़ा था परमिशन को, और अब हम किससे पढ़ रहे हैं, कैन से पढ़ रहे हैं। कैन से परमिशन तब ली जाती है जब आप कहाँ हो, आपके फ्रेंड्स जोन में, फ्रेंड्स जोन में, कैन आई लैंड योर स्कूटर, क्या मैं तुम्हारा स्कूटर उधार ले सकता हूँ है ना, तो आपके फ्रेंड जोन में है तो क्या यूज करेंगे, कैन यूज करेंगे, और मे यूज करेंगे कहाँ पे, ऑफिशियल चीजों के, ऑफिशियल चीजों के लिए है ना, परमिशन है ना, मे आई यूज योर कंप्यूटर, मे आई यूज योर कंप्यूटर, क्या मैं तुम्हारा कंप्यूटर यूज कर सकता हूँ। आपने क्या किया है, एक फॉर्मल ऑफिशियल तरीके से आपने क्या ली है, एक परमिशन ली है। नेक्स्ट वन इज पास मोडल्स है ना, पास मोडल्स क्या करते हैं, पास मोडल्स ऐसे एक्शन को बताते हैं जो पास में क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं है ना, ऐसे एक्शन जो पास में कंप्लीट हुए थे उनके बारे में बताता है कौन, पास मोडल। इसमें फॉर्मेशन क्या होगी, सबसे पहले मोडल यूज किया जाएगा, उसके साथ एक हैव यूज किया जाएगा, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको क्या बोलते हैं, पास पार्टिसिपल। क्या होता है पास पार्टिसिपल, ये आपने टेंस वाले वीडियो में देखा होगा कि ना, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म को एज ए एडजेक्टिव यूज किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं अपन, पास पार्टिसिपल। ये देखिए, यू शुड हैव आस्क फॉर हेल्प है ना, और दे ऑट टू हैव इन्फॉर्म अस, उसे क्या करना चाहिए, हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था, ठीक है। ये देखिए, ऑट एक मोडाल है, ऑट टू हैव आया है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है इन्फॉर्म्ड अस। अब ये पास के देख लेते हैं, पास मॉडल कैसे कैसे, मस्ट हैव किसके लिए यूज किया जाता है, मस्ट हैव अजम्पशन के लिए यूज किया जाता है कि ना, ही मस्ट हैव फॉरगॉटन अस, कि ना 10 से 12 साल हो गए हैं उससे मिले हुए, अब तक तो वो क्या हो गया होगा, मैं भूल गया होगा, ये उसकी क्या है, अजम्पशन है। सेकेंड वन इज मे एंड माइट है ना, क्या गैस करना, चीजों के बारे में गैस करना कि ना, जो राम है वो सुबह मार्केट में आया था और ना उसने ऑरेंजेस ले लिए होंगे, तुमने क्या किया, एक गेस लगाया कि हमें ऑरेंजेस लेने की जरूरत नहीं है, जो राम है वो सुबह आया था मार्केट, उसने ऑरेंज ले लिए होंगे। एंड द थर्ड वन इज कुड हैव पॉसिबिलिटी, कैन क्या बता रहा था आपकी, पॉसिबिलिटी है ना, इट कैन ठीक है, कुड हैव, कुड हैव क्या बताएगा, पॉसिबिलिटी बताएगा, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी बताएगा जो कैसी होंगी, फुलफिल नहीं हुई होंगी। यस कुड हैव अप्राइज्ड अस ऑफ दैट मैटर, यस यस को हमें इस बारे में बताना चाहिए था लेकिन उसने नहीं बताया, कैसी है, एक ऐसी आपकी पॉसिबिलिटी है जो पूरी नहीं हुई है, अनफुलफिल्ड क्या है आपकी पॉसिबिलिटी है। और अगर पॉसिबिलिटी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, जो आपने पॉसिबिलिटी बताई थी वो पूरी हुई है, तो वहां पे लगाएंगे वुड हैव, द गेस्ट वुड हैव लेफ्ट, कि ना जो गेस्ट है हमारे, जो गेस्ट है वो जा चुके होंगे अब तक, तो वहां पे क्या लगा है हमारा, वुड हैव, ठीक है, अगर आपकी पॉसिबिलिटी कुछ ज्यादा है कंपेरेटिवली कुड के। ओके, शुड हैव और ऑट टू है ना, ये बताते हैं आपके हाइपोथेटिकल सिचुएशन।
हाइपोथेटिकल सिचुएशन मतलब कि आपके मन में मनगढ़ंत, तो कोई भी सिचुएशन कि आपके मनगढ़ंत मन में क्या चल रहा है कि ना वी ऑट टू हैव हेल्प यू, कि ना देखो किसी ने आपसे हेल्प मांगी और आपने हेल्प नहीं की और बाद में आप पछता रहे हैं कि यार हमें उसकी मदद कर देनी चाहिए थी। तो ये क्या है कि अब तो मन में ही चल रहा है, एक तो मनगढ़ंत चीज, अब तो ये कि हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए थी लेकिन वो जो एक्शन है वो तो पास में निकल चुका है ना। तो आपकी कोई भी ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना, जितनी भी आइडियल है वो किसने बताई जाएंगी, आपकी शुड हैव के साथ बताई जाएंगी। प्लेट इसके जितने भी पॉसिबल कंसेप्ट है वो यहाँ पे क्या किए गए हैं, डिस्कस कर दिए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम वीकली यहाँ पे ऐसी नई नई वीडियोस डालते रहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।